हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। दोस्तों, यस बैंक ने यहाँ पे उड़ान भर ली है। दोस्तों ध्यान देंगे, उड़ान भर ली है और अभी इसकी उड़ान पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। उड़ान भरने की और भी जबरदस्त, इससे भी बेहतरीन उड़ान भरने की तैयारी यस बैंक ने अभी तक की है। अभी तो यहाँ पे आज इसने इंट्राडे में 8.5% का उछाल लगाया है। आप वो दिन भी देखेंगे जब यस बैंक इंट्राडे में 20-20% का उछाल लगाएगा, 10-10% का उछाल लगाएगा, 30-30% का उछाल लगाएगा। वो दिन अभी देखना बाकी है। आज का परफॉर्मेंस यस बैंक के सामने यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, देख सकते हैं 6.5% की क्लोजिंग पे। अब 6.5% के उछाल के साथ इसने क्लोजिंग दी है और इंट्राडे में ध्यान देंगे 8.5% का इसने उछाल दिखाया है। ये कैंडल अपने आप में शो करिए, यस बैंक ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। ध्यान देंगे अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, यस बैंक में बहुत ही जोरदार यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे 42 का ब्रेकआउट होगा दोस्तों, जो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, 42 काफी दिनों से बता रहा हूँ, जैसे 42 का ब्रेकआउट होगा यस बैंक, ध्यान देंगे एक सीधा ही 45 एक ही कैंडल में 45 आएगा और हो सकता है ये एक ही कैंडल में 48 आ जाए। अगर ये यस बैंक 45 पे सस्टेन होता है ध्यान देंगे तो एक ही कैंडल में एक बड़ी कैंडल बनेगी, जो पूरी कैंडल एक ही इस प्रकार की कैंडल बनेगी जो कि 48 के साथ एक कैंडल पूरी लंबी कैंडल बनेगी, 42 से लेके 48 यानी 6 रुपए की लंबी कैंडल बनेगी। नहीं तो दो टुकड़ों में कैंडल बनती नजर आ सकती है, 42 से 45 पे जाके क्लोजिंग, उसके बाद 45 से लेके 48 तक की क्लोजिंग, इस प्रकार की चैनल बनेगा और ये चैनल ये ब्रेकआउट इस प्रकार का ये पैटर्न बनेगा। ध्यान देंगे ये पैटर्न बनेगा जो कि 4 बॉटम के साथ बनेगा। ये बॉटम जो बनेगा दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा बने रही है। यहाँ पे यस बैंक पिछली बार भी इस प्रकार का चैनल बना चुका है और इस प्रकार अब ये इस प्रकार यहाँ पे चैनल बनाएगा जो बनेगा 48.50 का ब्रेकआउट के लिए। ठीक है तो 48 में यस बैंक जाके रुकेगा, जो आपको मैंने पहले ही बताया था 48 यस बैंक, 42 के बाद यस बैंक को 48 के लिए कोई नहीं रोक सकता जो कि टेक्निकल चार्ट भी कह रहा है। कोई बैड न्यूज आ जाए वो अलग बात है दोस्तों, बैड न्यूज आ जाए वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन टेक्निकल चार्ट में बिल्कुल साफ देंगे ये बिल्कुल 48 के लिए आने। जब 48 पे यस बैंक इस प्रकार के पैटर्न के साथ ये लंबी लंबी दो कैंडल बनेगी, 48 पे क्लोजिंग देगी, तो इस प्रकार का यस बैंक देख सकते हैं पिछली बार 48 पे रुका था 48.50 पे और इस प्रकार का पैटर्न यस बैंक बनाएगा। ध्यान देंगे फिर इसका ब्रेकआउट यस बैंक को करना जरूरी होगा जो कि 48.50 का ब्रेकआउट है। अगर 48.50 का ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो ध्यान देंगे यस बैंक में जो पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। यस बैंक में ये समझ लीजिए 48 है, ठीक है, और ये 48.50 का ब्रेकआउट होता है यस बैंक सीधा 53 पे भागे एक लंबी कैंडल के साथ। फिर 53 का ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों, जो 53.50 का ब्रेकआउट है, 53.50 के बाद में यस बैंक दोस्तों 75 टारगेट के लिए 70 प्लस टारगेट के लिए एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 70 प्लस प्लेन 75 प्लस टारगेट यस बैंक दोस्तों बहुत ही फास्ट गति से दिखाने वाला है। ये दोस्तों यस बैंक का टेक्निकल चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, यस बैंक का टेक्निकल चार्ट बोल रहा है। यस बैंक में हालांकि न्यूज का सिलसिला बैड न्यूज गुड चलता रहता है, इसलिए दोस्तों इसका टेक्निकल चार्ट कभी कभार फेल हो जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों जो टेक्निकल चार्ट फेल हुआ था वो यस बैंक में यहाँ पे बैड न्यूज हुआ था। आपको पता है $1.25 बिलियन आने वाला, लेकिन वो निवेश नहीं आया, तो इस वजह से यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिली, तो यहाँ पे दोबारा से फंड राइजिंग में कुछ आया नहीं, तो यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिली। दोस्तों यस बैंक में जो टेक्निकल चार्ट फेल होता है वो बैड न्यूज की वजह से होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे यस बैंक अब मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। यस बैंक में दोस्तों खरीदारी का सही समय यहाँ पे RSI ने संकेत दे दिया है, लेकिन जिन्होंने पोजीशन यहाँ पे बना रखी है उनको मैं काफी दिनों से एवरेज करा भी दिया है, उनका एवरेज अच्छा खासा आ चुका है, लेकिन जो नई फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं उनको लग रहा है अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं उठाई है, तो RSI ने बिल्कुल संकेत दे दिया है। तो ध्यान देंगे अगर 42 का ब्रेकआउट करता है तो नई पोजीशन वो ले सकते हैं, बहुत ही जोरदार गति से यहाँ पे यस बैंक भागने के लिए तैयार है। अगर नई जिनको पहले से एवरेज करा तो करंट से एवरेज करके चले, क्योंकि दोस्तों 48 के 42 के बाद उनको एवरेज करने का मौका नहीं मिलेगा, एक बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ निकलने वाला है। MACD की दोस्तों मैं बात करूँ तो MACD यहाँ बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है, MACD यहाँ पे देख सकते क्रॉसओवर जनरेट यहाँ पे कर लिया है, MACD ने देख सकते हैं MACD ने क्रॉसओवर जनरेट कर लिया है और MACD का वॉल्यूम पॉजिटिव में आने लगा है। ध्यान देंगे MACD का जो वॉल्यूम बिल्डिंग है वो पॉजिटिव में बनना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब MACD की जो वॉल्यूम बनेगा इस प्रकार का वॉल्यूम बनेगा और MACD जोरदार बाइंग संकेत दे रहा है। वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो आज वॉल्यूम हाई वॉल्यूम यस बैंक में आया है, देख सकते हैं यस बैंक का जो वॉल्यूम था पिछले 5-6 दिनों का वॉल्यूम को यस बैंक ने ब्रेक किया है। देख सकते हैं यस बैंक का जो वॉल्यूम आ रहा था देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पिछले 6 दिनों का वॉल्यूम को यस बैंक ने सिर्फ एक दिन में आज ब्रेक किया है। इसका वॉल्यूम पिछले 6 दिनों से 10 करोड़ के नीचे आ रहा था, तो आज देख सकते हैं दोस्तों इसका वॉल्यूम 18 करोड़ है। ध्यान देंगे दोस्तों आज इसका वॉल्यूम अचानक 18 करोड़ आया, जो कि पिछले कल जिसका वॉल्यूम था 8.5 करोड़ था, पिछला इसका वॉल्यूम 9 करोड़ था, उसके बाद में 10 करोड़ था, उसके बाद में 11 करोड़ था, यानी कि देख सकते हैं 10 करोड़ के लगभग इसका वॉल्यूम आ रहा था, जो कि अचानक देख सकते हैं दोस्तों 18 करोड़ का इसमें वॉल्यूम आया है, जो कि मैंने आपको बता दिया था दोस्तों यस बैंक में जब जब वॉल्यूम आया दोस्तों आपका इंट्राडे कॉल यहाँ से बची नहीं है ऐसे मार्केट न्यूज के हाथों से। और दोस्तों मैंने आपको कल भी कहा था इंट्राडे में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में इंट्राडे में दोस्तों ओवरऑल पूरे मंथ में लॉस होता है दोस्तों, ध्यान देंगे ओवरऑल मेरे एक कुछ में लॉस होता है दोस्तों मैं चैनल को बंद कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे आप जुड़ने के लिए तैयार हैं तो भी मैं कॉल नहीं दूंगा, ये दोस्तों मेरा वादा है, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों टेक्निकल चार्ट एनालिसिस परफेक्ट एनालिसिस दोस्तों ऐसे मार्केट न्यूज की पकड़ है दोस्तों, जो आपके दोस्तों सामने लाइव अटेंड करता हूं दोस्तों, इतनी भी हिम्मत रखता हूं। आज मैंने यस बैंक लाइव कॉल दी थी, ध्यान देंगे यस बैंक की मैंने लाइव कॉल दी थी आप सभी के लिए, लेकिन उसका ब्रेकआउट हुआ ही नहीं दोस्तों। किसी का मेरे पास कमेंट भी आया था सर यस बैंक 41.40 से आप बाय के लिए बोल रहे तो भाग चुका है, बाय में भाग चुका है, तो अब क्या इसको बाय करना उचित रहेगा अगर 41
40-45 का ब्रेकआउट हो जाता है, इतना ऊपर से मैं बाई नहीं कर सकता, इसका मतलब दोस्तों उनको नॉलेज नहीं है। ध्यान देंगे, आज मैंने एयरटेल की कॉल दी थी, आपको चौंका देगी, एयरटेल कहाँ चल रहा है आपको पता है, एयरटेल 52 के हाई पे चल रहा है। मैंने 521 से एयरटेल की कॉल दी थी, 525 के टारगेट के लिए दी थी, ध्यान देंगे 525 के टारगेट के लिए दी थी, तो 525 का टारगेट उसने कंप्लीट किया, 52 के हाई और लगवाए हैं मैंने, यानी कि ऑल देके 52 का हाई और लगवाया है। तो दोस्तों ये एक औकात होती है दोस्तों टेक्निकल चार्ट रिसर्च करने की, परफेक्ट। दोस्तों मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर किसी ग्रुप में जुड़ने के बाद, या जुड़ो या मत जुड़ो, अगर मेरा दोस्तों काम में, मेरे काम में मंथली एवरेज दोस्तों अगर लॉस में चला जाता है, मैं चैनल को बंद कर देता हूँ दोस्तों, चैनल को बंद कर दूंगा मैं दोस्तों। तो क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, और आपने साल भर से देखा है ओवरऑल मंथली दूर की बात, ओवरऑल यानी कि पर डे में ही आपको लॉस मुझे कराना काफ़ी समस्या आ सकती है, यानी कि आप काफ़ी जो शेयर मार्केट हो काफ़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि आपने देखा पर डे का अपना प्रॉफिट ही बहुत ओवरऑल हाई प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी साल भर में सिर्फ एक या दो दिन ऐसा गया, 365 दिनों में, यानी कि एक या दो दिन ऐसा गया जिसने अपने ओवरऑल लॉस देखने को मिला है, 363 दिनों में ओवरऑल प्रॉफिट ही देखने को मिला है। 363 दिनों में दोस्तों आप निकाल सकते हैं, मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मैं आपको फालतू ऐसे लग रहा है बकबक कर रहे हैं, चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पे आपको नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देंगे, आज की कॉल कल की कॉल मैंने आपको दिखाई थी, चैलेंज के साथ कहा था मैं चैलेंज डेली करता हूँ, चैलेंज दोस्तों करके दिखाते हैं यहाँ पे। IOC का टारगेट 100% सक्सेसफुल, जो कि अभी आपको दिखाएंगे, जस्ट डायल का बूम बूम टारगेट, क्या बूम बूम टारगेट दिए जस्ट डायल में, बूम बूम मैंने पहले ही बूम बूम लिख कर दिया था, बूम बूम टारगेट और तीनों टारगेट 100% सक्सेसफुल, यस बैंक के 100% टारगेट सक्सेसफुल दोनों टारगेट। टाटा स्टील का दोस्तों प्रॉफिट में एग्जिट करवाया, इसको लास्ट टाइम इसको प्रॉफिट में एग्जिट करवाया, कोई लॉस नहीं है। भारतीय एयरटेल का टारगेट देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय एयरटेल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार दोस्तों टेक्निकल चार्ट की नॉलेज होती है दोस्तों। लोग डर जाते हैं, उसने सवाल किया कि आज दोस्तों कि सर इसको हाई पर खरीदना ठीक रहेगा, तो पहले ही भाग चुका है। तो दोस्तों एयरटेल कितना भाग चुका, ध्यान देंगे ये भारतीय एयरटेल का देख सकते हैं, आज का जो 526 का जो हाई है, ये 52 का नया हाई है, आज इसने नया हाई लगाया, देख सकते हैं पिछला 52 का इसका जो हाई था, आपको बता दें 52 का ये हाई 526 देख सकते हैं, और आज का हाई 526, ठीक है। तो दोस्तों पिछला इसका 52 का हाई था जो कि कल 521 ये कुछ था, और आज भी दोस्तों 521 इसकी कॉल दी थी, देख सकते हैं किस पे कॉल के बाद में लोगों ने मेरे पास यहाँ पे कुछ एक दो जो नए जुड़े हैं, उन्होंने सर एयरटेल 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 सर एयरटेल का क्या करें, मैंने कहा था टारगेट को फॉलो ही करना है, ध्यान देंगे ये 52 का नया हाई लगाएगा और भागेगा और ये ब्रेकआउट होती है दोस्तों जैसे 251 का इसका ब्रेकआउट हुआ, 525 का अपने टारगेट बहुत ही फास्ट इसमें टारगेट देखने को मिले हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लोगों का उल्टा सोचना होता है कि यहाँ पे इतना भाग गया तो इसको टूटना चाहिए, तो दोस्तों कहाँ से टूटेगा दोस्तों, ये टेक्निकल चार्ट की पकड़ होती है, एनालिसिस होती है दोस्तों, देख सकते हैं। अब और भी नजर आपके दोस्तों होश उड़ा देंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक रिजल्ट इतने दमदार आए थे, लेकिन एक्सिस बैंक ने सेल में तीनों टारगेट ये एक्सिस मार्केट न्यूज ने किया, तो 1/1 में आरबीएल बैंक, ये देख सकते हैं आरबीएल बैंक का रिजल्ट कितने खराब आया था, और मैंने बताया था आरबीएल बैंक यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम सेलिंग कॉल दी थी आपको, और वो उसके सेलिंग यूट्यूब की सेलिंग कॉल पूरी आपकी परफेक्ट हुई है, ध्यान देंगे, और यूट्यूब के माध्यम से मेरी बाई की कॉल रखी थी वो भी आपकी परफेक्ट, यानी यूट्यूब के माध्यम से दोनों कॉल आपकी सक्सेसफुल, चलिए वो तो YouTube की समझ, लेकिन RBL बैंक के रिजल्ट इतने खराब आने के बावजूद मैंने इसको बाय में कॉल दिया, ध्यान दें कि इसके बाय में कॉल दिया है और टारगेट 100% सक्सेसफुल आपको करवाए हैं। तो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट मैंने कहा था मुझे कोई मतलब नहीं है रिजल्ट न्यूज़ से, मेरे टेक्निकल चार्ट पे अगर आगे RBL बैंक और एक्सिस बैंक तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, और उसको उठा के अपने प्रॉफिट में लेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। यहां पे आप गिनते रहिए, आप ये देख सकते हैं, आपको मैं गिना दूं कितनी कॉल आपको यहां पे दी है, ये IOC दीप टारगेट 100% सक्सेस, जस्ट डायल टारगेट 100% वेरी बिग प्रॉफिट, यस बैंक टारगेट वेरी बिग प्रॉफिट, टारगेट टाटा स्टील प्रॉफिट में एग्जिट, भारतीय एयरटेल टारगेट 100% सक्सेस, आरबीएल टारगेट 100% सक्सेस, विप्रो प्रॉफिट में एग्जिट, जील तीनों टारगेट 100% सक्सेसफुल, तो माइंड ब्लोइंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अभी तो एक कॉल नीचे और 9 कॉल आपको दी थी, तो किसी भी कॉल्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, और एक्सिस बैंक भी तीनों कॉल टारगेट में, ये एक्सिस बैंक देख सकते 737 तक गया था ये, लेकिन मैं इसको 727 इसको सेलिंग कॉल दिया था, 720 का टारगेट रखा था, 7 रुपये का बड़ा प्रॉफिट तीनों टारगेट पर निकाल के लिखा है, जो स्टॉप लॉस कितना मात्र 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, मात्र 1.50 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ 7 रुपए का टारगेट आप निकाल के लेके आए दोस्तों, जो कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट कितने दमदार आए थे, बहुत जोरदार दमदार आए थे, इसके जो मेरे यूट्यूब के टारगेट रखे थे चारों टारगेट बाई के टारगेट सक्सेसफुल होने के बाद व्हाट्सएप में दोस्तों जो लाइव में प्रॉफिट निकाल के लेके आए दोस्तों, अब आपको मैं दिखाऊंगी, तो आपको मैंने बता दिया, हो सकता है झूठ भी हो सकता है, चलिए आप दोस्तों दिखाते हैं। तो दोस्तों झूठ झूठ यहाँ पे झूठ को साबित करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आया हूँ, ये देख सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जो लिखी हुई है वो तो आपको मैंने यहाँ पे दिखाई दी है, ये 1 मिनट लेकिन टाइम फ्रेम आपको दिखाना जरूरी है, थोड़ा सा वेट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कॉल जो ऊपर की कॉल थी जो इसके बाद में प्रॉफिट में आई है, 1 मिनट ये देखिए दोस्तों आज की कॉल थोड़ा सा वेट करिए ये यहाँ से स्टार्ट है, पहली कॉल ध्यान देंगे दोस्तों, पहली कॉल आपकी किसकी थी, आरबीएल बैंक की, टारगेट 100% टाइम भी आप नोट कर रही है 10:19 पे, ठीक है। उसके ये दोस्तों मेरा अलार्म भरा हुआ है क्योंकि कमोडिटी का ये काम स्टार्ट होने हो गया है, इसका मतलब अलार्म यहाँ पे मैंने जो सेट कर रखा था, अब मुझे दोस्तों कमोडिटी की कॉल देनी होगी, तो फटाफट वीडियो एंड करना होगा, ध्यान देंगे पहली कॉल ये टाइम भी दोस्तों फटाफट मैं यहाँ पे देखो फटाफट वीडियो एंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जिनको भी दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए फटाफट, और आप इसको टाइम फ्रेम मिला लीजिए, और कॉल भी देख लीजिए कहाँ से कॉल दी थी, क्या याद नहीं थी, आरबीएल बैंक की बाइक की कॉल 100%
100% सक्सेसफुल। जील टारगेट सेल तीनों टारगेट 100% से। विप्रो देख सकते हैं बाइक की कॉल, जो कि मैंने 250-249 पीस को बाई में कटवाया, ठीक है। और एयरटेल बाइक की कॉल देख सकते हैं 525 100% टारगेट सक्सेस, जो कि टाटा स्टील बाइक की कॉल 480.30 से 480.30 के ऊपर इसको मैंने प्रॉफिट में कटवाया। यस बैंक बाइक की कॉल देख सकते हैं दोनों टारगेट 100% सक्सेसफुल। एक्सिस बैंक बाइक की कॉल जो कि मैंने रिजेक्ट करवा दी, देख सकते हो एक्सिस बैंक मैंने सेल की कॉल दी थी, देख सकते हैं 10:47 पे बाइक की कॉल, लेकिन ये एक्टिव नहीं हुआ तो मैंने 10:48 पे सेल की कॉल दी थी, जो कि तीनों टारगेट 100% सक्सेसफुल। क्योंकि पता है दोस्तों अगर यहाँ पे ये नहीं निकाल पाएगा तो ये निकाला नीचे भागेगा, ध्यान देंगे नीचे भागेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है यस बैंक सिर्फ 1.5 रुपये के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ 7 रुपये का बड़ा प्रॉफिट देख सकते हैं। और उसी के अलावा जील देख सकते हैं, जील का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं 280 मैंने रिवाइज टारगेट किया था, जो कि तीनों टारगेट 100% सक्सेसफुल। विप्रो देख सकते हैं सेल का दिया था, विप्रो सेल का जो कि मैंने 246.30 का टारगेट किया था, जो कि 90% इसने 70% कवर किया, इसका मतलब कोई स्टॉप लॉस पोस्ट को यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, ध्यान देंगे। और बूम बूम जस्ट डायल, ये देखिए दोस्तों बूम जस्ट डायल का जो कि 600 और 604, 608, 614 तो तीनों टारगेट कंप्लीट करके 620 ने कवर किया है। देख सकते बूम जस्ट डायल का, बूम जस्ट डायल का टारगेट बाई का टारगेट आईओसी बाई का देख सकते हैं, आईओसी 6 रुपये प्लस में चल रहा है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों, अब कोई मेरे कमेंट करके पूछता सर 6 रुपये चल रहा है तो स्कोर क्यों बाइक रूम में, तो दोस्तों ये मुझे पता 6 के बाद में 7 रुपये भी जाने वाला ब्रेकआउट इसमें और हो रहा है इसमें ब्रेकआउट 119.65 से मैंने दिया था 120 पता तो 121 को भी इसने टेस्ट किया, ध्यान देंगे बड़ा प्रॉफिट देखने मिला है। आरबीएल बैंक देख सकते हैं, आरबीएल बैंक में टारगेट स्टॉप लॉस मैंने रिवाइज कर किया था, वो अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सारा ओवरऑल यहाँ पे रख दिया है कि जो इंट्राडे के जो मेरे व्हाट्सएप मेंबर है चाहे नहीं है या आप भी जुड़ के देख सकते हैं, अगर दोस्तों मेरा ओवरऑल पूरे मंथली यानी आपको डेली कल भी 100% 11 दिन से यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देख सकते हैं टू डेक अगेन 11 दिन से 11 कंटिन्यू डेज लगातार 100% प्रॉफिट, कोई 11 दिनों से कोई स्टॉप लॉस नहीं है दोस्तों, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। उसके पहले जो स्टॉप लॉस था तो ओवरऑल प्रॉफिट में, यानी कि 5 कॉल में कोई 1 कॉल में स्टॉप लॉस था, 4 कॉल में प्रॉफिट था, 7 कॉल में कोई स्टॉप लॉस था, 6 कॉल में प्रॉफिट था, वो 1-2 दिन पहले भी चला था, यानी कि कंटिन्यू। तो आपको पता है स्टॉप लॉस एक सच्चाई वो आएगी कल अपन को, हो सकता है स्टॉप लॉस आए लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये तो मैं दोस्तों वादा ही कर रहा हूँ, दोस्तों दावा ही कर रहा हूँ कि पूरे मंथ में अगर मेरे एसएस मार्केट न्यूज के काम है दोस्तों, अगर पूरे मंथ में अगर आप ओवरऑल लॉस मुझे करा के दिखा दे दोस्तों, मैं काम करना ही बंद करा दूंगा, काम कराना ही बंद करा दूंगा, क्योंकि ये मुझे मेरा दोस्तों कॉन्फिडेंस है और दोस्तों मेरा टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस पावर है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल चार्ट नॉलेज है दोस्तों, तभी तो मैं बातें कर रहा हूं, करके दिखाऊँ आज, देखो आज करके दिखा दोस्तों, कल भी करके दिखाएंगे कल हो सकता है एक दिन लॉस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं ओवरऑल पूरे मंथ की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों फिर भी अपन जी यहां पे 90% की कह रहे हैं, कल भी आपको बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और ये अब मैं और पूरे मंथ की बात करूँ, पूरे मंथ में दोस्तों आज तक कभी ऐसा नहीं आया 363 दिन आपको प्रॉफिट में निकाले, 2 दिन दोस्तों साल भर में सिर्फ 1-2 दिन तक गया हुआ, कभी कभी ओवर लॉस में देखने को मिला है। चलिए दोस्तों ये तो बातें हैं जो चलती रहती है। अब मैं दोस्तों यस बैंक की कॉल आपके लिए रखने वाला हूँ, ध्यान देंगे यस बैंक के जो टारगेट आपके लिए रखने वाला हूँ कल के इंट्राडे के लिए। और आज यस बैंक मैंने लाइव कॉल भी दिया था, जो कि आया था और 41.40 का ब्रेकआउट करते ही मैंने अपर सर्किट के टारगेट दिए थे, लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया था 41.40 के बाद में ही कॉल एक्टिव होगा, अगर 41.40 को ब्रेक नहीं किया इसका मतलब कॉल रिजेक्ट हो चुका है, वो कॉल अपना एक्टिव ही नहीं हुआ है, कॉल वहाँ पे पैसा ही नहीं लगा, बिल्डिंग नहीं आई, इसका मतलब कहाँ से कॉल एक्टिव होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होती है कि अब 41 के ऊपर घूम रहा है वो, ठीक है, अब आपको पता नहीं है यहाँ से कहाँ जाने वाला है, तो मुझे पता 41.40 को ब्रेक करने ऊपर भागेगा। अब जो दोस्तों नॉलेज नहीं होती है, अब उन्होंने क्या बाय किया होगा 41 पे, क्यों ना मैं 40 पैसे का फायदा उठा लो, जैसे उन्होंने 41 से बाई किया, आपको पता है 40.40 तक आया इसका मतलब उसका मूड खराब होगा, उसने बेचा होगा और उसने सेल किया होगा, नीचे भाग गया, जैसे 40.40 को टेस्ट किया वापस 41.15 चला गया, तो वहाँ पे दोनों तरफ उसको लॉस। अब जैसे अगर 41.40 का ब्रेक करता दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली 99% की पॉसिबिलिटी है आपको प्रॉफिट ही देके जाता। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रू एक्यूरेसी देखिए, आप अंदाजे से दिमाग ना लगाए, अंदाजे से दोस्तों आपको पता है सिक्का उछालेंगे तो आपको पता है हेड या टेल दोनों से एक तो आएगा ही आएगा, अंदाजे से दोस्तों 3 पत्ती खेल लो फिर आप काम क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे अंदाजा नहीं चल रहा, यहाँ पे ट्रू टेक्निकल चार्ट एनालिसिस चलती है जो कि एसएस मार्केट न्यूज आपको लाइव करके दिखाता है। चलिए दोस्तों मैं अब यस बैंक का टारगेट यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ, पोजिशनल टारगेट मैंने आपको आपके लिए रख दिया है कि 42 का ब्रेकआउट के बाद में 48, उसके बाद में 53, उसके बाद में जैसे 70 के लिए 88 होगा तो 53 को इसको ब्रेकआउट करना होगा। मैं इंट्राडे का यहाँ पे टारगेट दोस्तों रख देता हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट यहाँ पे बोलना होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ध्यान देंगे दोस्तों थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टेक्निकल चार्ट को बदलना होगा क्योंकि इसका जो पिछला परफॉर्मेंस भी देखना होगा कहाँ से क्या ब्रेकआउट लेगा ये। जैसे दोस्तों ध्यान देंगे यस बैंक 41.40 ध्यान देंगे आज का जो इसने हाई लगाया 41.40 उसको ब्रेक करने के बाद दोस्तों 42 का ही टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान देंगे इसमें एक रुपये का टारगेट है, यानी कि 60 पैसे 1 रुपये का टारगेट मिले, लेकिन 42 ध्यान देंगे 42 जो ब्रेकआउट होगा ये 42 का ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा तो कल इंट्राडे के लिए दोस्तों, कल इंट्राडे का टारगेट दोस्तों आप लेके चलिए, अगर 41.40 ब्रेक होता तो 42 का पहला टारगेट होगा, लेकिन 42 ब्रेकआउट होता है दोस्तों इसका दोस्तों पहला टारगेट होगा वो होगा दोस्तों लगभग 43.50 ध्यान देंगे 43.50 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 45 का, दूसरा टारगेट दोस्तों 45
टाइप का होगा। तीसरा टाइप दोस्तों इसमें आप लेकर चल सकते हैं 47 का टारगेट, क्योंकि 48 का दोस्तों यस बैंक ऐसे ही जाने वाला, तो 47 को पहले ही बुक करके बैठ जाएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों मैंने सारे कंडीशन पर बता दिया, 41.40 को ब्रेक करने के बाद 42 का टारगेट होगा, इसमें छोटा टारगेट होगा, लेकिन 42 को ब्रेक करने के बाद दोस्तों इसमें फिर 43.50 का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद भी दोस्तों 45 का टारगेट 47 का टारगेट के लिए दोस्तों आप लेके जा सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो दोस्तों अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों अभी लेटेस्ट एंड लाइव दोस्तों परफॉर्मेंस धमाका अपडेट पाने के लिए यस बैंक की अभी सब्सक्राइब कर डाली दोस्तों। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर रखा है उनको थैंक्स, क्योंकि उनको खुद को ही आप एसएस मार्केट न्यूज से दोस्तों फायदा मिल ही रहा है और मिलने वाला लेटेस्ट अपडेट दोस्तों आपको मिल जाती है दोस्तों। और जो भी सज्जन वीडियो के माध्यम से दोस्तों या यूट्यूब के आपने देखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा अगर मुझे दोस्तों पूरा फॉलो करते हैं, मेरी पूरी कॉल्स को अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों जिस मंथ में दोस्तों अगर आप मुझे एक्यूरेसी निकाल के दे दें कि सर ये आपका देखो पूरी एक्यूरेसी लॉस में चली गई आपकी कॉल्स की, मैं दोस्तों काम करना बंद कर दूंगा। ये दोस्तों मेरा वादा, काम करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा दोस्तों, टेक्निकल चार्ट का पावर रखता है एसएस मार्केट न्यूज का दोस्तों, एनालिसिस इतना ही कमजोर नहीं है, 90% कई ट्रेडिंग कंपनी को दोस्तों मात खिलाई है दोस्तों, और उनके मेरे पास ऑफर भी आए हैं दोस्तों। तो मैंने दोस्तों उनके जो सीनियर है मैंने वादा किया, दावा किया कि आपकी 10 कॉल से तुलना कर लीजिए, उनकी 10 कॉल की दोस्तों एक्यूरेसी कितनी आई पता है 50-60%, और मैंने मेरी एक्यूरेसी दोस्तों 10 में से 10 एक बार करके दिखाई दोस्तों, उनको मैंने डेमो दिया और 10 में से 1 बार नो करके दिखाई दोस्तों। तो आपको तो डेली करके दिखा रहा हूं, उनको भी करके दिखाया, लेकिन दोस्तों फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर दोस्तों जाने का, क्योंकि दोस्तों उनका जो कुछ लोचा है समझ लीजिए, कुछ मनी प्रॉब्लम हो सकता है, वो मुझे कम दे रहे हैं, कुछ ज्यादा खाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं मेरी काम में ही खुश हूं दोस्तों, क्यों मैं दूसरी जगह गुलाम बन के काम करूं, तो मैं खुद आजाद हूं तो आपको काम करूंगा, वहां जाने के बाद दोस्तों आपको काम नहीं करा पाऊंगा, इसलिए दोस्तों मैं यहां पे आपको काम करा रहा हूं और आपकी दोस्तों खुशी से मैं खुद खुश हूं। ओके दोस्तों वीडियो करता हूं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय।